भाजपा की पार्षद चमेली साहू एवं साथियों द्वारा मारपीट की घटना को अंजाम देने पर मृतक सूरज साहू की उपचार के दौरान हुई मौत से आक्रोशित परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया, साथ ही गांधी प्रतिमा के पास बैठकर न्याय की गुहार लगाई। दुर्ग थाना क्षेत्र वार्ड एक में बीते दिनों आम आदमी पार्टी के जिला सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर के पुत्र मृतक सूरज साहू की भाजपा पार्षद चमेली साहू के परिवार द्वारा मारपीट कर हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए मृतक के परिजन और वार्ड वासियों ने गुरुवार को बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट का घेराव कर छोटे बच्चों और विधवा पत्नी को 50 लाख रुपए की सहायता राशि और पत्नी को सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। जिस दिन भी मिला है, जिस दिन वहाँ से छुट्टी लेने के लिए हम लोग बोले, उस दिन डॉक्टर सुबह के टाइम एकदम सही थे, 12 बजे तक एकदम सही थे। शाम के जब हम लोग गए तो पता नहीं क्या कर दिए कि एकदम कंडीशन उनका एकदम खराब हो गया, एकदम सीरियस हो गए। एक दिन पहले और 9 दिन तक एकदम सही थे, घुमाए थे, खिलाए पिलाए, सब चीज़ बातचीत सब चीज़ कर रहे थे। हाँ, मुझे इंसाफ चाहिए। बस जो मेरे पति को मारा है उसे फांसी होना चाहिए और मेरा पूरा खर्चा उठाया जाए। जिस तरह से मृतक के परिजनों द्वारा भाजपा पार्षद की धमकी और घर में घुसकर मृतक से मारपीट करने के बाद जो घटना हुई, उसके बाद भाजपा पार्षद पर भी कार्रवाई की मांग की जा रही है। साथ ही परिजनों ने अपने ज्ञापन में शंकराचार्य के डॉक्टर आदर्श त्रिवेदी की भूमिका की जांच की मांग भी की है। थे हमारे लड़के से कुछ पैसे की मांग की। सूरज साहू बोले अभी सुबह सुबह है, अभी पैसा नहीं है, मैं पैसा ला के छोड़ दूंगा। उसके बाद वो बगल में हमारे मीना गुप्ता हैं, उनके दो लड़के गोपाल साहू, गोपाल गुप्ता, हाँ तीन लड़के, मुकेश साहू और क्या नाम से छोटू उर्फ प्रदीप और गोपाल साहू, ये तीनों आके वो उन लोगों से बहस करने लगे। उन लोग आपस में गाली गलौज किए, मारपीट किए। सरस्वती के नगर के लड़के वो अपने भाग गए, मारपीट होने लगी तो वो लोग भाग गए। उसके बाद पार्षद का लड़का अपने घर से हाँकी निकाल के लाया और ले जाके, उसके बाद एक विकास सिन्हा नाम का आदमी, प्रदीप वो चंद्रकांत साहू पार्षद का लड़का और क्या नाम से विकास सिन्हा और एक था वो छोटू प्रदीप और छोटू, ये तीनों हमारे लड़कियों को ले गए, बोले चलो थोड़ा सा काम है, उसका हाथ पकड़ के ले गए। और गोपाल, दो मिनट, गोपाल और मुकेश वहाँ पहले से डंडा वंडा धर के जो उनको मारना था उन्होंने ले के बैठे थे। हमारे साथ एक आयुष गुप्ता, हमारे लड़के के साथ आयुष गुप्ता का नाम का लड़का उसके साथ में था, वो वहाँ पे गया। उसको बोलते हैं अबे तू गाड़ी ले के आगे जा, तू आगे ले, वो आगे गाड़ी खड़ी करने गया, तुरंत वापस आया। उसके बाद वो रोड पे पड़ा हुआ मिला था, उसके नाक से मुंह से खून निकल रहा था, उसके सिर पे चोटें बहुत थी, गंभीर चोटें थी। क्या कहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं सरकार से, कैमरा में वीडियो था ना, हाँ, पुलिस वाले डिलीट कर दिए मोबाइल छोड़ के, मोबाइल छोड़ के अभी का बात, मतलब मोबाइल छोड़ के वीडियो डिलीट कर दिया है पुलिस द्वारे के द्वारा। वहाँ पे हम भेजे सीसीटीवी कैमरा। क्या चाहते हैं? हमारा मांग ये है कि उनको 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 उचित दंड दिया जाए और हमारे बहू को, हमारे नाती को, हमारे हमको उनको मुआवजा दिया जाए। वो जीवन बसर कैसे करेंगे, उनको उनको उचित मुआवजा दिया जाए जो सरकार की तरफ से उचित लगे। दो लोग मतलब लेन देन करा हुआ, कबाड़ी काम करते हैं, सामान वामान लेने के लिए आए होंगे, पुट्ठा उट्ठा कुछ नंबर लेने आए थे, फिर सामने बहस होने लग गया। पिए खाए थे लड़के लोग, उसमें पिए खाए थे, आपस में बहस कर रहे थे, फिर घर बगल वाले घर वाले निकले, उसमें बहस चालू हो गया। वो लोग बहस करने लग गए आपस में, उनके भी छाता पाई हुआ, फिर सूरज भैया निकले घर से, वो लोग लड़के लोग को भगाए, फिर ये बगल वाले लोग आके, दो तीन लड़के आके उनको उठा के ले गए और चौक में फिर ये सब किए। किसने किया? एक तो बगल में पार्षद का बेटा था चमेली साहू, और उसके घर के जस्ट बगल, सूरज भैया के घर के जस्ट बगल के दो तीन लोग थे जस्ट बगल। क्या चाहते हो आप? चाहते उसको फांसी, उसको जो किया है उसको फांसी हो, सजा मिले, सरकारी नौकरी और चाहिए नौकरी मेरे बच्चों, मिले दोनों बच्चों को, मुझे पूरी जिंदगी तक पढ़ाई लिखाई पूरा खर्चा। बहरहाल दुर्ग पुलिस इस मामले में अब तक 3 आरोपी को पकड़ चुकी है। वहीं कुछ असामाजिक तत्व द्वारा वार्ड का माहौल खराब किए जाने जैसे इस तरह के मामले में पूर्व में भी सिटी कोतवाली थाने में शिकायत की जा चुकी है, जिसमें भाजपा पार्षद चमेली साहू के दोनों पुत्रों का नाम दर्ज है। सितंबर के सुबह की बात है, हमारे कार्यकर्ता माणिक चंद साहू जी
उनका बेटा सूरज घर में सोया हुआ था, कुछ लोग उनको घर पे आए और शायद कुछ लेन देन का मामला रहा होगा, उस पर कुछ विवाद हुआ। उसके बाद में पार्षद के पुत्र और कुछ रिश्तेदार जो नाम बता रहे हैं, उन्होंने घर से डंडा और हॉकी स्टिक ला के उनके ऊपर जोरदार प्रहार किया, सिर पर चोट लगी। सिर पर चोट लगने के पश्चात वो रोड पर गिर गया। 112 से उनको जिला अस्पताल पहुँचाया गया। जिला अस्पताल में आपको मालूम है न्यूरो सर्जन की 3-3.5 लाख रुपये पर दे करके उनकी नियुक्ति की गई है और वहाँ सिटी स्कैन सब है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको शंकराचार्य रेफर किया गया। ये सरकार द्वारा जब वहाँ पर पहुँचाया शंकराचार्य में, तो कल सुबह 1:20 पर आज रात को उनकी मौत हो गई। हमारी ये मांग है कि पार्षद के पुत्रों के खिलाफ पहले भी शिकायत दर्ज की गई है, जिसकी हम कॉपी आज दिए हैं कलेक्टर साहब को, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। वे लोग नशे का व्यापार करते हैं, इसका इसमें पूरा प्रशासनिक उसमें इन्वॉल्वमेंट है, उसमें पार्षद है, बीजेपी के है, कांग्रेस की सरकार है, दोनों की मिली भगत है। इस दोनों जो भी आरोपी है उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और जो बच्चे हैं 2-4 साल के और उनकी पत्नी है, उनको 50 लाख मुआवजा दिया जाए और उनको सरकारी नौकरी दी जाए। जब तक ये मांगे पूरी नहीं होगी, उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। दुर्ग में जिस तरह से मारपीट की घटना में एक परिवार का कमाने वाला मुखिया चल बसा, जो अपने पीछे छोटे बच्चों सहित परिवार अब बेसहारा छोड़ चुका है, इसके चलते परिजन न्याय की गुहार लगाने सड़क पर बैठ अपना हक मांग रहे हैं। देखना होगा शासन प्रशासन अब इस परिवार को किस तरह की राहत पहुंचाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।